और ये फ्रेंड करेला तो आपने बहुत ही खाया होगा। ये करेले की रेसिपी आज मैं जो देने जा रही हूँ बहुत ही इजी और क्विक है। बनाते अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड और फैमिली में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? जहाँ भी हो, खुश आबाद हो और अल्लाह के हिफ्ज़ अमान में। अल्लाह ताला आप सबको सेहत आफियत तंदुरुस्ती के साथ में रखे। अल्लाह आप सबकी रिक्स में खैर बरकत दे। अल्लाह ताला सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। अल्लाह हमारा ईमान सलामत रखे और हमारा ईमान पे ख़ात्मा करें। आमीन सुमा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ में चले आइए फ्रेंड। करेले की रेसिपी तो ऑलरेडी मेरे चैनल पे दो तीन अलग अलग डाली हुई है, पर आज मैं ये करेला इस तरीके से कट करके, भरवा करेले तो है, कट करके किस तरीके से करेले बनाते हैं कीमे के साथ में। यहाँ पर देखिए 300 ग्राम करेले जिसको मैंने कट करके नमक लगा के रख दी थी, उसको मैंने अच्छे से धो दी हूँ, ठीक है। और ज़्यादा छीलना नहीं है इसको, हल्का हल्का से छीलना है आपको। यहाँ पे 3 प्याज है कट कर लिए और यहाँ पे 300 ग्राम चिकन का कीमा है। फ्राई मसाले में यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, हल्दी पाउडर है, रेड चिली पाउडर है, धनिया पाउडर है। और ये जो मसाला आपको दिख रहा है इसके अंदर सूखा धनिया, ज़ीरा, सौंफ, सूखी मिर्ची, काली मिर्च भून के इस तरीके से मैं अचारी मसाला दरदरा सा बना के रखती हूँ जो काम आता है। और ये घर का गरम मसाला है, खड़ा गरम मसाला हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि मुंह में आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। और यहाँ पे देखें ये कलौंजी है, ये सौंफ है और ये ज़ीरा है, ये बघार में जाएगा। ऑयल को मैंने गरम करने के लिए रख चुकी हूँ। हम इसके अंदर पहले करेले जो है वो फ्राई करके निकाल लेंगे। जो धो के रखी थी मैंने वो इसको हम डाल देंगे इसमें और इसको हम पहले फ्राई करके निकाल लेंगे। ज़रूर फ्राई करिएगा, ये बहुत ही टेस्टी बनता है। और करेला ऐसा भी हमें खाना चाहिए महीने में 2 चार टाइम, ये हमारे ब्लड को साफ करता है, बॉडी में जो हमारे पेट में जो भी बैड होते हैं कोलेस्ट्रॉल वगैरह उसके लिए भी अच्छा होता है, खून को साफ करता है, डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे देखें सारा मैंने डाल दी, बीज इस तरीके से नहीं डालिएगा, इसको फ्राई करके निकाल दें। थोड़ा सा हम होने देंगे इसको और थोड़ा फ्राई हो जाए अच्छे से। इस तरीके से फ्राई करके डालने से बहुत ही अच्छा बनता है करेला। हो गए, इसको हम निकाल लेंगे और इसमें का जो ऑयल है उसको मैं कम निकाल दूंगी और थोड़ा ही ऑयल दूंगी जितना बनाना है। ये देखिए सकते हैं ऑयल को मैंने कम कर दी इसके अंदर। अब इसके अंदर यहाँ पे जो कलौंजी, ज़ीरा, सौंफ ये डालूँगी कि थोड़ा अचारी फ्लेवर इसका आ जाए। अब यहाँ पे जो मैंने प्याज कट करके रखी हूँ ये डाल दूँगी। प्याज को मेरे को कोई फ्राई नहीं करूंगी मैं, इसके अंदर मैं अभी कीमा डाल दूंगी। और अदरक लहसुन डाल दूंगी। और डालेंगे इसके अंदर हम नमक। और इसको अच्छे से प्याज के साथ में भूनेंगे। जब तक कीमे का कलर अच्छे से चेंज नहीं हो जाता तब तक हम इसको फ्राई करेंगे प्याज के साथ में।
इस तरीके से प्याज और अदरक लहसुन के साथ में कीमा बनाने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। ये देखिए सर, कीमा अपना पानी छोड़ दिया है। अब यहाँ पे जो ये ड्राई मसाले हैं ये जाएंगे। देखो मैं इसमें पानी वगैरह नहीं डालूंगी क्योंकि चिकन का कीमा, इसको बस मैं ढक के रख देती हूँ। इसको 5 मिनट ढक दे। देखिए मैं हटाती हूँ इसको। ये देखिए कीमे का पानी छूट गया है जब हम इसको फ्लो करके रखे थे। अब इसके अंदर मैं एक टमाटर लूँगी और कट करके डाल दूँगी। फिर इसको ढक के रख देंगे 5। देखिए फ्रेंड, आइए चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह, ये देखिए 5 मिनट टमाटर वगैरह अच्छे से, ये देखिए अच्छे से भून गए इसके अंदर। इसको मैं और रखूंगी भूनने के लिए थोड़ा, कि जो प्याज वगैरह भी है वो सब अच्छे से इसके अंदर गल जाए, बिल्कुल भी कुछ दिखे नहीं। ट्राई ज़रूर करिएगा एक टाइम ये। ये देखिए माशाल्लाह, इसको ढक के रखते हैं 5 मिनट रखते हैं। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से भून चुका है और इसका ऑयल भी सेपरेट हो गया। अब इसके अंदर जो ये हमने फ्राई करके रखे थे करेले, ये डाल देंगे। ट्राई ज़रूर करिएगा फ्रेंड एक टाइम ये। बस अब ये डाल के आपको खाली 5 मिनट पकाना है, ज़्यादा नहीं। ये देखिए हो गए हैं बहुत ही अच्छे से। इसको मैं गैस को कर दूंगी बंद। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी रेसिपी है कीमा करेला बन के रेडी हो गई है, बहुत ही डिलीशियस बनी है। आप लोग इसे ट्राई ज़रूर करिएगा और हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी तो बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने फ्रेंड और फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी एक ऐसी रेसिपी के साथ में। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।